प्रदेश के डिपो में मिल रहे राशन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गुणवत्ता में कोताही बरतने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार डिपो में बेहतर क्वालिटी की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिला में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। राशन में गुणवत्ता न मिलने के प्रश्न पर किशन कपूर ने भड़ास निकालते हुए कहा कि बताएं कि कहां पर राशन में गड़बड़ हो रही है। किशन कपूर ने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण दालें दी जा रही हैं और अगर सप्लाई में कोई गड़बड़ कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस प्रकार की मीटिंग जो है वो हर जिला में मैं कर रहा हूँ। सरकार ने कुछ निर्णय लिया है और उनकी निर्णयों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फील्ड में हो रही है, इसलिए मैं हर जिला में जा रहा हूँ। शिमला से मैंने स्टार्ट किया था, आज हमीरपुर में हूँ और कल बिलासपुर में हूँ। अभी दो जिले बचे हैं प्रदेश में, एक मंडी का और एक फोर का, जिनकी बैठक आगे रखी गई है ताकि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाए। इस उद्देश्य से मीटिंग आज यहाँ सब एक बात कर दी कि दालें और गेहूं खराब आ रही हैं। मुझे बताओ किस डिपो में, अभी एक्शन लूंगा। हम तो एक्शन पे विश्वास करते हैं, ये बोलने से नहीं। एक दिन एक पत्रकार ने बोला था ऐसे, हमने बोला बताओ आप बताओ किस डिपो में ऐसे हो रहा है। आपने प्रश्न किया, आपके पास जानकारी होगी। सुनी सुनाई आधी अधूरी बात कर रहे हो। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं और हर जगह दालें जो हम भेज रहे हैं वही दालें लोगों को मिल रही हैं। आपके ध्यान में अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आप बताइए किस डिपो में ऐसे हो रहा है। कोई जो हमारी सप्लाई आ रही है, जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जिस दालों को भेज रही है, विभाग भेज रहा है, उसमें कोई गड़बड़ कर रहा है तो अभी एक्शन लेना हमने। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है तथा इस बाबत सभी अधिकारियों को ईपीडीएसपी ऐप के साथ जोड़ा गया है ताकि खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्य में तेजी लाएं और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य आपूर्ति निगम के सभी गोदामों में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा डिपो होल्डर भी समय समय पर खाद्य सामग्री प्राप्त करें ताकि उपभोक्ताओं को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग तथा निगम के वाहनों को जीपीएस सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग आम जनमानस से जुड़ा हुआ है तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान भी सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की समीक्षा भी की गई। इससे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही नियमित तौर पर समीक्षाएं बैठकें भी आयोजित की जाएंगी ताकि उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।